माननीय प्रांत संघचालक जी, या ट्रस्ट से अध्यक्ष महोदय, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, हिंदू जागरण का सुखद परिणाम ऐसा गीत के ध्रुपद में कहा गया है। हम सब लोग अनुभव करते हैं अपने देश के जीवन में, और एक अच्छे परिवर्तन का समय आया है। विश्व में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है, विश्व का ध्यान हमारे तत्वज्ञान और संस्कृति पर गया है। सारे विश्व को लगता है कि यहीं से हमको राहत मिलेगी। हम लोगों का राष्ट्रीय पुरुषार्थ भी बढ़ गया है, और इसलिए उसके स्वाभाविक परिणाम हमारे राष्ट्रीय जीवन से लेकर तो अपने अपने व्यक्तिगत जीवन तक सर्वत्र कुछ न कुछ मात्रा में हमको दिखाई देते हैं। जैसे आज ये वास्तु बनी है जिसका उद्घाटन हुआ, तो बहुत से कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किए, बहुत से कार्यकर्ताओं का योगदान है, और वो उसका परिणाम आज साकार सबके सामने है, तो सबके हृदय में इसका भी आनंद है। इस आनंद को अनुभव करने वाले हम सब हैं, परंतु यह आनंद हमारे तक आ पहुंचा इसके लिए जिन जिन लोगों ने परिश्रम किए, वो सबके सब आज इस आनंद में सहभागी होने के लिए उपस्थित नहीं है। और ऐसा परिश्रम हुआ है, ये जिन्होंने देखा तक नहीं है वह भी इस आनंद के भागी है। तो आनंद तो सबके लिए है, लेकिन आनंद वाले, आनंद लाने वालों के परिश्रम को सबने नहीं देखा, और इसलिए ऐसे आनंद के क्षणों में उनका स्मरण करना एक स्वाभाविक बात जैसे है, वैसे वो अत्यंत हितकारक बात है। कोई भी कार्य होता है तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, बिना परिश्रम के होता नहीं। कार्य संपन्न होने के बाद उसके लाभ तो सबको मिलते हैं, मिलने भी चाहिए, परंतु अगर वो ये ध्यान में रखे कि ये जो हो रहा है इसके पीछे तपस्या है, तो फिर वह वैभव, वह आनंद, वह सुविधा उनके जीवन में स्थिर हो जाती है। जो परिश्रम करते हैं उनके मन में फल प्राप्ति की आकांक्षा नहीं होती। फल प्राप्त होना चाहिए इसीलिए परिश्रम करते हैं, लेकिन वो हमारे ही सामने हो ऐसा उनका आग्रह नहीं रहता है। ये होना चाहिए, मेरे सामने नहीं हुआ तो मेरे बाद हो। सात्विक कार्यकर्ता ऐसे ही सोचता है, और इसलिए इस प्रकार फलाशा रहित होकर कर्म करने वालों की तपस्या अच्छे दिन लाती ही है। ऐसी तपस्या इसके पीछे है। एक शिकार में गया हुआ राजा और रास्ता भूल गया अपने सेवकों सहित, फिर वे एक झोपड़ी में पहुंचा, वहां एक महात्मा बैठे थे, उनको पूछा कि भूख प्यास से पीड़ित हूं और ये जंगल है तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो कहीं व्यवस्था हो सकती है क्या? तो महात्मा जी ने कहा कि वो सामने जो जंगल दिख रहा है उसमें अंदर जाओ तो आपको वहां मिल जाएगा सब। तो राजा अपने सेवकों सहित अंदर गया, तो अंदर एक अच्छा बड़ा मैदान, उसमें मंडप लगा हुआ है, साथ में स्नान और हाथ पैर धोने की सब व्यवस्था है, और स्वागत करने वाले भी आए, आइए आइए महाराज, आप ही की राह देख रहे थे,
स्नान कीजिए, ठीक हो जाइए, भोजन के लिए आइए, सब प्रकार की सेवा करके उन्होंने और राजा को तृप्त किया। विश्राम करने के लिए भी वहीं पर मंडप बना था, उसमें राजा विश्राम के लिए सो गया। जागता है तब देखता है कि कहीं वो मंडप नहीं है, वो लोग नहीं, कुछ नहीं है, जंगल में ही है। तो आश्चर्य लगा उसको, सपना था क्या? लेकिन पेट में भूख तो है नहीं, अच्छे भोजन की स्मृति अभी भी है, विश्राम भी हो गया, स्नान वान कर लिया है, उसकी भी एक ताजगी रहती वो है। तो अनुभव तो सत्य है लेकिन दिख नहीं रहा है कुछ भी। तो जंगल के बाहर आता है तो उसके सामने वो कुटिया दिखी। तो महाराज जी के पास गया कि महाराज जी, आपने यहाँ भेजा, हमारी सारी व्यवस्था हो गई, लेकिन वो सब दृश्य गुप्त हो गया, ये क्या आपकी तपस्या का चमत्कार है? तो महाराज जी ने कहा, चमत्कार नहीं है, यहाँ मेरी तपस्या है, उसका उसकी कुछ शक्ति है। ऐसे जो भूले भटके पांथस्थ इधर आ जाते हैं उनके लिए मैं उसका उपयोग करता हूं। तो मेरे तपस्या के कारण ही वो हुआ, लेकिन वो मैं मेरे लिए उसका श्रेय नहीं लेता हूं, वो तपस्या है ही सेवा के लिए। तो फिर राजा ने पूछा कि महाशय, आप अगर हमारी इतनी सेवा अपने तपोबल से कर सकते हो तो आप ये टूटी फूटी झोपड़ी में क्यों रह रहे हैं? आप भी उसी रचना में रचना शाश्वत बनाकर उसमें रह जाओ, आपके भी दिन अच्छे कटेंगे। तो महात्मा ने हंस दिया और उनका, राजा तुम समझते नहीं हो, जिस दिन इस तपस्या का उपयोग मैं स्वयं के लिए करूंगा उस दिन से इसका बल नष्ट हो जाएगा। ये जो हम सुखद परिणाम कहते हैं किसी भी बात में, इस भवन के निर्माण में हो या आज के अपने देश की बदली हुई परिस्थिति में हो, इसके पीछे ही ऐसा निष्काम परिश्रम है। ज्ञान चाहिए, सक्रियता चाहिए, तब होता है। काम करना आसान बात नहीं, परिश्रम करना पड़ता है, शरीर मन बुद्धि से जीजना पड़ता है और सोच के करना पड़ता है। उभाभ्याम एव पक्षाभ्याम यथा खे भक्षणाम गति तथैव ज्ञान कर्मभ्याम जायते परमम पदम। परम पद की प्राप्ति होनी है, श्रेष्ठ काम होना है, तो जैसे पक्षियों की गति दो पंखों से रहती है, ज्ञान और कर्म ये दो ऐसे पंख है जिससे परम प्राप्त होता है। परंतु ज्ञानी अगर है तो अहंकार हो सकता है। ज्ञान राम में भी था, ज्ञान रावण में भी था, लेकिन अंतर यह रहा कि रावण में अहंकार था, राम में अहंकार नहीं था। इसलिए दोनों के ज्ञान के, दोनों वेदज्ञ थे, दोनों शिव भक्त थे, सारी बातें समान होने के बाद भी परिणाम अलग निकले, क्योंकि ज्ञान को अहंकार की बाधा हो सकती है। नवल अहंकाराची गोठी न लगे ज्ञानियाची अज्ञानियाची पाठी, ज्ञानियाच्या पड़े कंठी प्राण कंठी आणि तसे, ऐसी उक्ति है। और कर्म अगर है तो कर्म में भी उसकी दिशा ठीक नहीं रही तो विक्षिप्त कर्म हो जाता है, वो सुखद नहीं होता, घोर कर्म हो जाता है। घर में जाते हैं धूप में से वापस पानी मांगते हैं तो केवल पानी का गिलास नहीं आता, लोटा भर पानी आता है, उसके साथ गिलास रहता है, साथ में गुड़ की एक डली भी रहती है। और ऐसे ही होटल में जाओ और पानी मांगो तो वेटर तुच्छता से देखता है कि खाता पीता कुछ नहीं, पानी पी के चला जाएगा, वो अपनी उंगलियां डुबोकर ग्लास लाके पटकता है और बाहर जाते समय मालिक को कहता है खाया पिया कुछ नहीं, पानी पी के जा रहा है, इन्हें बदनामी करता है। ऐसा नहीं होता है, ज्ञान और कर्म के साथ प्रयास करने से सुखद परिणाम आता है। ये कब होता है तो एक तीसरी बात है, उसको कहते हैं भक्ति।
ज्ञान और कर्म अगर दो पंख है तो उन पंखों को धारण करने वाला पक्षी भक्ति है। बिना भक्ति के कर्म विक्षिप्त कर्म हो जाता है, ज्ञान अहंकारी हो जाता है। भक्ति से इन दोनों के संयोग से सुखद परिणाम आते हैं। और उस भक्ति के घटक है, पहला है प्रेम, अपनापन, अच्छे पढ़े लिखे नौजवान अपना करियर वगैरह सब छोड़कर संघ बताएगा वहां, संघ बताएगा वो काम करने में अपनी जिंदगी खपा देते हैं। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कहीं भी जाने के लिए तैयार रहते हैं, किसी भी दायित्व का वहन करने के लिए तैयार रहते हैं। जो दायित्व आया उसके लिए अपने आप को योग्य बनाते हैं। अपनी रुचि अरुचि सबका त्याग करके क्यों करते हैं? तो उनको लगता है कि ये अपना देश है, अपना समाज है, अपना राष्ट्र है, इसको ठीक रखना, ठीक करना ये अपना काम है। और वो मेरा पहला काम है, मनुष्य के नाते अपने लिए जीऊं तो पशु का जीवन होगा, अपनों के लिए जीऊं तो मनुष्य का जीवन होगा। ये अपनापन उस भक्ति का पहला घटक रहता है। और आदमी अपने अहंकार को छोड़ देता है, इतना बड़ा पुरुषार्थ सामान्य से लगने वाले लोग हैं, लेकिन दुनिया हिल जाए ऐसे पराक्रम एक एक का है। कितने ही घरों में उनके स्थान बने हैं, कितने ही मनों में उनके स्थान बने हैं। जो किया है वो आज हम सुनते अथवा पढ़ते तो हमको आश्चर्य लगता है। ये ट्रेनिंग कहां हुआ? ये ट्रेनिंग की बात नहीं है, ट्रेनिंग में नहीं होता है। उस अपनेपन के कारण वो सदैव जुड़े रहते, अपना विचार ही नहीं रहता, मेरा क्या, मेरा कैसा, ये नहीं रहता। सबका कैसे चल रहा है, सबका क्या ठीक है, सबका मैं क्या ठीक करूं, मुझे भोजन मिला नहीं मिला, सबका भोजन हुआ कि नहीं, मुझे विश्राम मिला कि नहीं मिला, सबका विश्राम ठीक हो रहा है कि नहीं, ऐसा चिंतन में स्वयं को छोड़कर सबका चिंतन, चिंता करी तो विश्वाची ऐसी स्थिति हो जाती है, दूसरा कुछ सूझता नहीं। ये जुड़ जाना, भक्त होना यानी जुड़ना, और इसके फलस्वरूप तीसरी बात भक्ति का घटक वो है कि अपना सब कुछ वो अर्पण कर देता है, दान नहीं करता, त्याग नहीं करता, वो छोड़ देता है। दान करने में भी मैं दान कर रहा हूं, किसी पर उपकार कर रहा हूं, ऐसी भावना रह सकती? नहीं रहती। त्याग करने में भी मैंने अपना कुछ दिया ऐसा आदमी सोचता है, वो भी नहीं रहता। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम, ये सब कुछ मिला है वो इन्हीं सबसे मिला है, और जो मिला है वो वापस देना है, अच्छी तरह देना है। बिना कारण मिला है, मैंने कुछ किया नहीं तब से मिला है, और इसलिए देते समय दाम दुगना वापस करना है। स्वप्न में भी वही ध्येय पुनीत विचार रहता है। तो जो देना है देने का अहंकार नहीं है, अपना दिया ऐसा भी नहीं है, एक स्वाभाविक बात है, ये नहीं करूं तो क्या करूं, यही तो करना है, इस प्रकार का एक स्वाभाविक अर्पण हो जाना, उसको कहते हैं समर्पण। प्रेम, भक्ति और समर्पण से मिलकर जो साधना बनती है वो साधना ज्ञान और कर्मों को धारण करके ये सुखद परिणाम लाती। आज भी बताया दत्ता जी के परिचय, दत्ता जी भाले और समर्पण, ये दो समानार्थी शब्द है। भुवन को उसका नाम दिया है, उसके पीछे उद्देश्य है।
यहां बैठे हुए लगभग सबका योगदान उस भवन को बनाने में है, लेकिन हम बना सके इसका कारण कौन है? इसका कारण वो समर्पण है। इसका कारण वो समर्पण है। मंदिर के लिए, राम मंदिर के लिए धन संग्रह हुआ, अपेक्षा नहीं थी लोगों की, हम संघ के लोग जानते थे, लेकिन बाकी जो लोग थे उनको लगता था इतना बड़ा धन कैसे आएगा। लोग जैसे राह ही देख रहे थे, प्रत्येक ने दिया। क्यों दिया? अभी के इस आंदोलन में 30 साल से लोगों ने संघर्ष किया, संघर्ष करके घर घर तक राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनना चाहिए ये आशा उत्पन्न की। वो इस आज के दशक में हमको इच्छा हो ऐसा सतत प्रयास 500 साल से जारी था, इसलिए हम इच्छा कर सके। वो इच्छा तपस्या से घर घर पहुंची और इसलिए जब समाचार आया कि अब मंदिर बनेगा तो लोग तैयार थे। कभी ना कभी बनेगा इस आशा से जमा पूंजी करके रखी थी, वो भी दी लोगों ने। ये जो दिखता है एकदम सारे देश का खड़ा होना, 22 जनवरी को रामलला के मूर्ति के दर्शन करते ही संपूर्ण देश गदगद हो गया, ये जो हमने अनुभव किया है ये अपने आप नहीं होता है। इसमें दो ही बातें हैं, एक रामलला की कृपा है, दूसरा इसके पीछे जो कठोर तपस्या हुई है, बलिदान हुए हैं, समर्पण हुआ है। मालूम नहीं था होगा नहीं होगा, लेकिन होना ये उचित बात है, तो उसके लिए बलिदान भी दे दिए लोग। वो स्मरण में रहे इसलिए नाम दिया है समर्पण, क्योंकि ऐसा बनता है, सुविधा होती है, साधन हाथ में आते हैं तो पहले से काम आराम से होता है, ज्यादा परिश्रम नहीं करने पड़ते। ये भवन है, इसमें एक कार्यक्रम हो सकता है 200-250 लोगों का। पहले अगर 200-250 लोगों का कार्यक्रम करना पड़ता था तो घूमना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था, जगह मिलती थी, ऐसी मिल गई अच्छा है, नहीं तो पैसा देना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, अब एक स्थान है, आसानी से 200-250 लोगों का कार्यक्रम यहाँ हो सकता है, बाकी चिंता कुछ नहीं रहेगी। व्यवस्था का भार भी कम हो जाएगा क्योंकि पहले से कुछ बना है, अच्छा है, ये होना चाहिए। तपस्या होनी चाहिए ज्ञान कर्म के साथ। इसका अर्थ ये नहीं है कि बिना कारण हम अपने आप को घिसते रहे। साधन है तो उसका उपयोग करना चाहिए, उसके कारण कार्य की गति बढ़ती है, परंतु साधन के कारण कार्य की गति बढ़ती है और साधन आदत भी लगाता है अपनी, उसका लाभ यह है कि गति बढ़ती है, उसका नुकसान यह है कि वो अपनी आदत हमको लगाता है। पहले साइकिल और पैदल ऐसे जाना पड़ता था, हम सब लोगों का अनुभव है, अपनी दूर तक जाने की शारीरिक क्षमता बहुत अच्छी थी। अब हमको स्कूटर मोटर कार की आदत हो गई तो जब तक अपने स्वास्थ्य के लिए डरते नहीं तब तक हम वॉक नहीं करते, मरने के भय से ही चलते हैं, 2 किलोमीटर 6 किलोमीटर जितना चलना है, लेकिन पास में भी जाना है तो स्कूटर लेके जाते हैं। सब्जी लाने के लिए वाहन लेके जाते हो, घर में एक साइकिल रखते हैं जो चलाते तो है लेकिन आगे नहीं जाती, उस पर व्यायाम करते। ऐसे क्यों हो गया? क्योंकि साधन की आदत लगती है, सुविधा की आदत लगती है। सुविधा चाहिए गति बढ़ती है, साधन चाहिए गति बढ़ती है, लेकिन साधन का सुविधा का उपयोग करके उसके स्वामी बने रहना, उसको अपना स्वामी नहीं बनने देना, ये करने की बात है।
जिनको वो तपस्या पता है उनके लिए तो अधिक आसान है, लेकिन जिन्होंने देखा ही नहीं, वो तपस्या देखी नहीं, उनके लिए बहुत कठिन है। उनको भी आसान हो ये करना, इसलिए नाम दिया गया समर्पण। ऐसे भवनों में जब जाते हैं तब अपने पहले दिन याद करना। उस समय कार्यालय होते थे क्या? उस समय ये सारी सुविधाएं रहती थी क्या? स्वयंसेवकों के घरों का ही उपयोग होता था। तो आज ये सुविधा बनी, इसका पूरा लाभ लेना अच्छी बात है, उसका आनंद है, लेकिन आनंद के समय में सावधान भी रहना। वो जो अपनी सिद्धता थी, मैं मेरा सब कुछ समर्पण, वो अपनी तैयारी बनी रहे, फिर ये साधन अपना सेवक बन के काम करेगा। आनंद का क्षण है, सबने परिश्रम किया है, उसके चलते एक स्वप्न साकार हुआ है, अच्छी तरह साकार हुआ है, अच्छा भवन बना है। परंतु इस भवन का उपयोग हमको करना है, इस भवन के आदि हमको नहीं होना है। और दूसरी बात है कि ऐसे भवन जो बनते हैं, यहां छात्रावास रहेगा, अन्य भी कई बातें चलेगी समाज के उपयोग की, और संघ का कार्यालय भी इसमें रहेगा। तो संघ का कार्य क्या है? यही कार्य है, समाज में भक्ति और समर्पण जगाना। संघ का कार्य करने की आवश्यकता क्यों प्रतीत हुई संघ निर्माता को? तो उन्होंने देखा कि देश में सब कुछ है, संख्या है बहुत बड़ी, कर्तृत्ववान लोगों की संख्या है, बुद्धिमान लोगों की संख्या है, अच्छे त्यागी नेता भी है, परंतु कार्य फलद्रुप नहीं होते, पूर्ण यशस्वी नहीं होते, शाश्वत उपाय नहीं कर पाते, बार बार करना पड़ता है। इसका कारण क्या है? हम लोग अपने आप को भूल गए, अपने आप को भूल गए, इसलिए अपने कौन है उनको भी भूल गए, और हम में भेद और स्वार्थ की बीमारी लग गई। भेद और स्वार्थ, इन बातों का इलाज क्या है? वैसे मनुष्यों में ये स्वाभाविक बात है, मैं जन्मता हूं तो ये अनुभव लेके, प्रतीति लेके जन्मता हूं कि मैं हूं और बाकी सब है। ये जन्मता मेरे मन में भेद बुद्धि है। मैं जन्म में पहला काम यही करता हूं, मुझे भूख लगी है इसलिए रोता हूं, घर में कोई मंगल प्रसंग हो तो भी रोता हूं, जब तक मुझे भूख है तब तक मैं रोता हूं, मेरी भूख तृप्त हुई होने के बाद आराम से सोता हूं, घर में क्या कठिनाई चल रही मुझे कुछ ख्याल नहीं रहता। जन्मतः स्वार्थ है, जन्मतः अहंकार है, उसके कारण भेद है। तो ये जो जन्म से स्वभाव से चिपके हुए दुर्गुण है, इसका इलाज क्या हो सकता है? इसका इलाज बहुत कठिन है, लेकिन वैसे आसान भी है। जहां प्रेम है, भक्ति है, वहां समर्पण अपने आप होता है। जहां अपनापन है वहां कोई भेद रहता नहीं, कोई भेद रहता नहीं, चलते होंगे दुनिया में भेद, जिसको अपनापन है वो किसी में भेद करता नहीं। हे विश्वची माझे घर, ऐशी जयाची मती स्थिर, किंबहुना चराचर आपणची झाला, ऐसा उस व्यक्ति के लिए या उस विषय के लिए जिसमें उसका अपनापन है, उसके लिए उतना हो जाता। इस अपनेपन का विस्तार यही हमारे यहां जीवन का श्रेय माना गया है। जिसके अपनेपन का विस्तार जितना अधिक, उतना वो व्यक्ति अधिक वंदनीय है, ऐसा हमारे यहां मानते हैं। और स्वार्थ भी छूट जाता है,
हम लोग बाद में भोजन करने वाले हैं, मैंने भोजन कर लिया तो आपका हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। आपने किया तो मेरा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। हम सबको अपना अपना अलग खाना होता है। लेकिन घर में कभी कोई अच्छा पदार्थ बनता है और घर के सब लोग बच्चे वगैरह पेट भर के खाते हैं और वो मुख्य पदार्थ जो मिठाई बनी है वही समाप्त तो हो जाती है, बनाने वाली माँ के लिए कुछ नहीं रहता। तो कभी कभी कोई कहता, रहे तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा, तो माँ कहती है, नहीं आप सबका पेट भर गया ना, मेरे पेट में आ गया। अब केवल बुद्धि से विचार कर तो संभव नहीं है भाई, हम सब ने खा लिया तो आपके पेट में आ गया, ऐसा माँ के लिए भी संभव, लेकिन माँ को लगता नहीं ऐसा। माँ कहती है मैं तृप्त तो हो गई। ये क्यों होता है? क्योंकि वो आत्मीयता है, मातृ प्रेम है। माता पिता स्वयं फटे कपड़े पहनकर अपने विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों के ड्रेस हर साल नए खरीदते, ऐसा होता है, हम देखते हैं, तब स्वार्थ कहाँ जाता है? आत्मीयता भक्ति प्रेम के आगे स्वार्थ और भेद टिक नहीं सकते। तो जहां ऐसा काम चलता है, जिस बिल्डिंग का नाम समर्पण है, आज हम उसके निर्माण का आनंद तो कर रहे हैं, लेकिन आगे इसमें प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को इन सब बातों का अनुभव होना चाहिए, प्रतीति मिलनी चाहिए। स्वार्थ और भेद जीवन से हटाकर सद्गुण संपन्न व्यक्ति के निर्माण के लिए संघ शुरू हुआ। भेद और स्वार्थ से जर्जरित समाज को, भेद और स्वार्थों को नष्ट करते हुए एक रस एक समाज बनाने के लिए, समता युक्त शोषण मुक्त समाज उत्पन्न करने के लिए संघ शुरू हुआ। इन सब बातों का अनुभव जहां संघ का कार्यालय जिसको कहा जाता है उस वास्तु में सबको होना चाहिए। हम सबका योगदान उस भवन को बनाने में है, इसलिए एक अर्थ में ये हमारा भवन है, और हमारा भवन है उसके अंदर आने वाले को हमारा अनुभव भी मिलना चाहिए। यह हम सबका दायित्व है, बाद में भी हमने आज एक कार्य संपन्न किया, उसके आनंद में यहां पर एकत्रित है, हर्ष को मनाएंगे, बहुत अच्छी बात है, परंतु यह भी भान रहना चाहिए कि ऐसा करके हमने एक नया दायित्व अपने सर पे लिया है। भवन तो बन गया, वातावरण हमको बनाना है। भवन बनाने में भी हमारा परिश्रम लगा, वातावरण बनाना और बनाए रखना इसमें भी वैसा ही परिश्रम हमको लगाना पड़ेगा। क्योंकि सुख के क्षण, सुखदायक काल, ये तो प्रयास पूर्वक बनाए रखना पड़ता है। वैसे तो काल प्रवाह चलते रहता है, आप किसी बात को पकड़ के नहीं रहेंगे तो वो बह जाएगा। तो बदलते काल में कुछ बातों को स्थिर बनाना ये हमको करना पड़ता है। अपने आनंद को स्थिर बनाना, अपने सुख को शाश्वत बनाना, उसकी बुनियाद यही है। उस अपनेपन का, उस समर्पण का, उस सदैव समाज की चिंता में अपने आप को रत रखने का, उसके कारण जीवन में निर्माण होने वाली पवित्रता स्वच्छता, इसका यह सारा अनुभव जहां जहां पर ऐसे पूंजीभूत कार्य के स्थान होते हैं वहां वहां मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति जाके आता है, वो कहता है कि वहां का वाइब्रेशन बहुत अच्छा है। ये वाइब्रेशन क्या होता है? वहां के व्यक्तियों के सामूहिक आचरण के कारण वहां के वातावरण में ही एक प्रतीति आती है, ये प्रत्यक्ष है, वो यहां आनी चाहिए। तब भयस्थान सहस्राणी हर्षस्थान शतानी च, ऐसा अनुभव नहीं आएगा, हर्षस्थान ही रहेंगे सब। उस हर्ष को बनाए रखने के लिए आवश्यक है
मैं 8वीं में था तब हमको एक अंग्रेजी की किताब में लेसन था, कहानी थी। एक सुल्तान था, उसका एक दीवान था, आयाज उसका नाम था। वो बहुत ही राजा को भी प्रिय था, लोगों में भी प्रिय था, बहुत कर्तृत्व संपन्न था, बहुत विनम्र था, बहुत बुद्धिमान था, सब काम बहुत अच्छे से कर लेता था। तो उसका बहुत नाम था, राजा का भी बहुत प्रिय था, दैनाहत उसके बिना राजा का पत्ता नहीं हिलता था। अब तब भी ऐसा ही था, क्योंकि उसमें लिखा है कि इसके कारण कुछ और दरबार के लोग उससे जलने लगे। तो राजनीति में होता ही है, जो आगे जाएगा उससे जलने वाले अपने आप तैयार होते। तो वो जलने वाले लोग राजा के पास गए और राजा को कहा कि आपका बड़ा भरोसा है इस पर, लेकिन ये दगाबाज आदमी है, ये रोज रात को उठकर शहर के बाहर जाता है चोर दरवाजे से, जंगल में एक भूता मकान है वहां जाता है, क्या करता है पता नहीं, कुछ षड्यंत्र आपके खिलाफ ही पकाता होगा, क्योंकि अब इसको और ऊपर जाना है तो दूसरा स्थान नहीं है, आपकी गद्दी इसको लेनी पड़ेगी। राजा को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन प्रचार की ताकत होती है, तो बार बार प्रचार हो गया तो राजा ने सोचा एक बार परख ही लूं। तो राजा उसके घर के पास छुप के बैठ गया, और जैसे ही वो रात को 12 बजे निकला, राजा सोचने लगा अरे सचमुच बाहर जा रहा है, चोर दरवाजे से बाहर जंगल में गया, उस भूता मकान में गया। राजा पीछा करता रहा, भूता मकान में गया नहीं, बाहर रुका। जैसे ही वो बाहर आया, राजा ने अपनी तलवार निकाल के उसके गले पे रख दी। बोल क्या कर रहा था, तुझे मरना ही है, बताकर मरना या बिना बताए मरना, तुम चुन। वो आयाज ने कहा महाराज इसमें बताना ना बताना क्या है, आप चलिए मेरे साथ प्रत्यक्ष देख लीजिए, रोज आता हूं मैं यहां, आपको बताने लायक बात नहीं है। तो राजा ने उसके पीठ को तलवार लगाकर उसको आगे आगे चलाया। भूता मकान का सबसे अंदर का कमरा था, वहां वो ले गया, वहां एक लकड़ी की संदूक थी बहुत बड़ी, उसको उसने खोला, अंदर झांका और फिर सीधा होके राजा को कहता है इतना ही मैं करता हूं और वापस आता हूं। तो राजा ने फिर से उसको झुकाया, गर्दन पकड़ी उसकी और स्वयं झांक के देखा तो उसमें एक फटा पुराना कोट था। तो राजा ने कहा इसको देख के तुम वापस जाते हो क्यों, इसमें क्या पड़ा है। तो महाराज ऐसा है, आज तो मैं आपका वजीर हूं, इस पूरे सल्तनत में मेरा नाम है, आसपास की सल्तनतों में भी मेरी बुद्धि की धाक है, आपका मैं सबसे प्रिय सेवक हूं, ये सब बातें हैं, लेकिन इस शहर में मैं अपना नसीब परखने के लिए आया, तब मेरे पास केवल यही था, आज मैं ऐसा बन गया हूं, लेकिन मैं वहां से चला हूं, मुझे याद रहे, क्योंकि ये कब आया कब जाएगा कोई भरोसा नहीं है, मैं तब भी था, मैं आज भी हूं, मैं कल भी रहूंगा, मैं जैसा था ठीक था वैसा मैं रहूं, इसलिए रोज आके मैं इसको देखता हूं और याद करता हूं कि दिन ऐसे भी थे लेकिन मैं जैसा था उसमें निकल पाया, दिन फिर बदलेंगे तो मेरा ऐसा होना यही मेरे काम की बात रही। सुख सुविधा दुख कष्ट ये सब आने जाने वाली बातें रहती है। मनस्वी कार्यार्थी गणयति न दुखम न च सुखम। स्वर्गीय दत्ता जी ऐसे मनस्वी कार्यार्थी थे, उन्होंने सुख दुख की परवाह कुछ की नहीं, इमरजेंसी के दिनों में बीमार हो गए, उनका क्या उपचार हुआ पता नहीं, अंत्यविधि भी चुपचाप करना पड़ा, लेकिन उनको कोई फिक्र रही होगी ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस दिन वो प्रचारक निकले उन्होंने अपने आप को दे दिया, अब मेरा जो कुछ होगा संग तय करेगा, और संग जो तय करेगा वो ठीक ही करेगा, संग कर काम करते करते मेरा जो कुछ होगा वो ठीक ही होगा। ऐसी सोच सब प्रचारक और लाखों स्वयंसेवक रखकर काम करते आए, इसलिए आज कार्य का यह स्वरूप खड़ा है। ऐसी भावना से प्रेरित होकर सब प्रकार के लोगों ने देश के लिए अनेक अच्छे अच्छे काम किए, इसलिए आज हम दुनिया का एक उभरता हुआ देश बनकर अपनी गर्दन सीधी करके दुनिया के सामने सीना तान के खड़े रह सकते हैं। कुछ लोगों ने उसको देखा है, कुछ लोगों ने नहीं देखा है,
57% देश की नई पीढ़ी है, उसको वो पता नहीं है, इमरजेंसी भी पता नहीं है, उसके पहले विभाजन पता नहीं है, स्वतंत्रता का संग्राम पता नहीं है, कैसे लोग थे, कितने ऊंचे कितने गहरे थे, कैसा कैसा त्याग किया, देखा नहीं है। परंतु कुछ फटे पुराने कोट है, उनको अगर देखते रहेंगे तो आज की जो स्थिति परिश्रम से बनी है उसको अधिक ऊंचा करना, अधिक आगे बढ़ाते जाना, बढ़ने की तो कोई सीमा होती नहीं, इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहां पूर्णता ही मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं। बढ़ना तो यात्रा है, पहुंचना पूर्णता तक है। पूर्णता तक पहुंचने का बल यही सोच, यही समर्पण, यही नाम, यही दत्ताजी भाले जैसों के नाम, उनको वो प्रेरणा देंगे। और इसलिए आज के आनंद की जय हो, लेकिन उस समय आने वाले कर्तव्य की भी जय मन में रखकर हम इन सब बातों का विचार करके रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आपके सामने और इतना सब कुछ मैं बोला हूँ वो शांतिपूर्वक आपने सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं मेरा भाषण समाप्त करूँ।